दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद, जनरल फिजिशियन। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल विहंगम हेल्थ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि डॉक्टर साहब कोई कोई लड़कियों में या औरतों में दाढ़ी मूछें क्यों आ जाती है, इसे कारण बता दें और समाधान इलाज ही बता दें। तो दोस्तों मैं आप लोगों को आज मैं बताऊँगा कि किसी किसी लड़कियों में देखा होगा आप लोगों ने उन लोगों की मूछें आ जाती है, दाढ़ी आ जाती है, ऐसे बहुत से औरतें देखने को मिल जाती है जिनको दाढ़ी मूछ आई हुई रहती है और बेचारी साफ करते करते थक जाती है, चेहरे को भद्दा बना देती है। ऐसी लड़कियां औरत देखने में सुंदर नहीं लगती, बहुत से मर्द इनको पसंद भी नहीं करते, उनका मैरिज लाइफ भी कभी कभी इस वजह से प्रॉब्लम में घिर जाता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊँगा कि रियल में इसके पीछे इंसान जिम्मेदार नहीं है। दोस्तों लेडीज को लड़की को दाढ़ी मूछाना इसके लिए इंसान जिम्मेदार नहीं है और ना यह कोई बीमारी है। साइंस विज्ञान कुछ भी कह ले, यह एक कुदरती देन है। सबसे बड़ी कारण होता है इसका कि जिन लड़कियों और औरतों में पुरुष हार्मोन्स की अधिकता होती है, यानी उनके अंदर अंग तो सब कुछ स्त्री के हैं, अंडाशय में अंडा ही बनते हैं और शादी योग्य भी होती हैं, प्रेम भी करती है, बच्चा भी पैदा कर सकती हैं, लेकिन उनके अंदर पुरुष हार्मोन्स की अधिकता होती है। तो देखा गया कि सबसे फर्स्ट कारण ये आता है कि पुरुष हार्मोन्स की अधिकता के कारण भी उनमें दाढ़ी मूछें आ जाती है, ये भी एक कारण है। दूसरा दोस्तों, ओबरी जो है उनकी, यदि ओबरी में डिसऑर्डर है यानी उसका ओबरी का जो कार्य प्रणाली है, अंडा बनाना, मासिक चक्र की नियम जो सिस्टम्स है उसको फॉलो करना, तो जिन लड़कियों में औरतों में मासिक सिस्टम का ओवरी फॉलो नहीं करती है या उन्हें कोई तरह त्रुटि है ओवरी में, उन्हें भी ऐसा देखा गया है कि दाढ़ी मूछें आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तीसरे नंबर में आता है कि जिन लड़कियों औरतों में दाढ़ी मूछें आती है ऐसा उनका हिस्ट्री खंगाला जाता है, देखा जाता है बैक हिस्ट्री, तो उनके परिवार में किसी को ये बीमारी जरूर पाई जाती है, उनके माँ में या उनके अदर किसी घर के मेंबर्स में दाढ़ी मूछें पाने का यह एक अनुवांशिक कारण भी हो सकता है, यानी उनके अतीत में किसी उनके परिवार में किसी किसी की बीमारियाँ ये हुई होती है जिनको दाढ़ी मूछें औरतों को आती है, अतः यह एक अनुवांशिक प्रभाव से भी ये बीमारी होते देखा गया है। दोस्तों चौथे नंबर में आता है दोस्तों हारमोन्स और संतुलन, यानी जिन लड़कियों औरतों में हार्मोन्स डिसबैलेंस सिस्टम में रन करता है, यानी हार्मोन्स की निर्माण एक संतुलित तरीके से नहीं होता है, कभी ज़्यादा कभी कम या कभी नहीं होना, महीनों नहीं होना, आपने सुना होगा ना, बहुत सारे लड़कियों में देखा होगा कई के महीने तक मेंस नहीं आते हैं, पीरियड नहीं आता है, या आता है तो कम आता है, थोड़ा आता है, कभी ज़्यादा आता है, यानी हार्मोन्स डिसऑर्गन यानी ओवरी सिस्टम काम नहीं करता है, हार्मोन्स में फलता संतुलन पैदा हो जाता है, लेडी हार्मोन्स जेंट्स हार्मोन्स यानी उसको बैलेंस करके उनको भी नहीं चल पाती है, इस कारण से भी लड़कियों या औरतों में दाढ़ी मूछें आते हुए देखा गया है। दूसरे ये चार ही मुख्य रूप से कारण है, ऐसे कारण अगर और कोई बताए लेकिन मुख्य रूप से वैज्ञानिक कारण ये चार ही बताए जाते हैं, इनको ऐसे औरतों और लड़कियों में दाढ़ी मूछें आ जाती हैं। अब आते हैं दोस्तों इलाज क्या है। तो दोस्तों अगर आप इसे गहराई से देखा जाए, आज तक विज्ञान इस पर निरुत्तर है, विज्ञान सही इसका जवाब नहीं दे पाया है कि यह रियल में होता क्यों है। जो आंकड़े बताते हैं यह एक अनुमान पर आधारित हैं इसके कारण के, और इलाज भी इसके आज तक एक सफल इलाज आज तक याद नहीं हो चुका है कि इसको बंद कर दिया, यानी दाढ़ी मूछाना हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, इसका कोई मेडिकल या कोई चिकित्सीय सॉल्यूशन शायद नहीं है मेरे हिसाब से। मैंने ऐसे बहुत लड़कियों और देखा दाढ़ी मूछाते हुए, हमने इलाज किया है लेकिन क्षणिक होता है, इसका उपाय लोग करते हैं जैसे हेयर रिमूवर क्रीम आते हैं लोग लगाते हैं, बस इसको सफाई करते रहो, हमेशा साफ़ सुथरा चेहरे का रखो तो साफ रहेंगे, या यही कि उनको हर दो दिन तीन दिन पर यह हेयर रिमूवर क्रीम लगाना पड़ता है, यह क्रीम बालों को साफ़ कर देती है, चेहरा चिकना हो जाता है, तो इसका यही इलाज है कि इसके आप हेयर रिमूवर जेल कोई भी यह क्रीम लगाएं, बालों को साफ रखें, बाकी इसका कोई चिकित्सीय मेडिकल में कोई इलाज नहीं है। अगर ज़्यादा नहीं इलाज भी मतलब कि इलाज करूँगा तो इससे शरीर को और नुकसानों का फायदा भी आता है, नुकसान हो सकता है, आपका हेल्थ बिगड़ सकता है, सेहत बिगड़ सकता है, इसके जगह अदर बीमारियाँ आपको पैदा हो सकती हैं, अतः ज़्यादा चिकित्सीय कारण चक्कर में ना पड़ें, बस इनको बस हेयर रिमूवर जेल से सफाई करते रहें
आप सेफ और सुरक्षित रहेंगे, समझ गए। यदि आप लोग मेरा सलाह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चलिए जय हिंद जय भारत।